बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो जनाब अली, आज हम फिर मौजूद हैं यहाँ पर, घास शांस लेने आए हैं। और ये पानी चल रहा है, ये पानी आप बता सकते हैं कि कहाँ से आ रहा होगा? नहीं बता सकते ना। ये पानी आ रहा है सिंधु दरिया से, और सिंधु दरिया में पानी आता है गिलगित बल्तिस्तान से। तो यानी कि हम कोमरी गए भी नहीं, और वहाँ का पानी, बर्फ़ वाला पानी, हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। ये पानी बहुत अच्छा होता है, अगर आप इसमें अपने हाथ वगैरह धोते हैं या पांव धोते हैं तो आपके गोरे गोरे हो जाते हैं, यू नो, मैल कुचैल जो है ना वो निकल जाती है। पानी तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आज सवेरे ही आ गया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ, तो मस्जिद में देखा तो कोई था भी नहीं, तो बजाय रोड पे बैठने से हम अपने चचा के पास आ गए यहाँ पे सब्जी में। वो वहाँ पे खेतों की सफाई वगैरह कर रहे हैं, ताकि ये जो बसर हैं, प्याज, प्याज उर्दू में इसको कहते हैं प्याज, प्याज आलू वगैरह के बीच में जो घास हो जाती है ना, वो निकाल रहे हैं। तो अब वो तो वेस्ट तो वैसे ही होती है, तो क्यों ना अच्छा है कि हम वो अपने मवेशियों को ही खिला दें। बाकी ये ग्रीनरी चेक करें, माशाल्लाह हम तो तरस रहे हैं। हम तो कब से तरस रहे हैं, क्या कहते हैं, इधर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाली जो साइड है उधर बहुत ग्रीनरी होती रही है, हम वहाँ पर जा तो नहीं पा रहे आज तक। जाएंगे कभी इंशाल्लाह, फिर हम भी देखेंगे फर्स्ट टाइम। और आपने तो वैसे भी देखी होगी, चले दोबारा से देख लीजिएगा कौन सा अच्छा जाएगा। अच्छा, मैं अभी जो है ना ये पानी में अपनी शक्ल देख रहा था, ये देखा नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ये वहाँ पे। तो जो पहले ज़माने में लोग होते थे ना, वो भी पानी में ही अपनी शक्लें वगैरह देखा करते थे, क्योंकि पहले आईने वगैरह तो थे नहीं, शीशे, मिरर जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, बाबा मिरर नहीं होते थे, तो इस वजह से लोग पानी में ही अपनी खूबसूरती देखा करते थे, अपनी शक्ल सूरत देखा करते थे। अब तो खैर शीशों की भी ज़रूरत नहीं रही, अब आ गए मोबाइल फ़ोन, तो जिसको भी अपना शक्ल देखना होता है वो कैमरे में देख लेता है, फ्रंट कैमरा चला के ना। हम भी ऐसे ही करते हैं, फ्रंट कैमरा चलाया और अपने आप को देख लिया कि कैसे लग रहे हैं। भाई आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो शायद ही आपने कभी देखी होगी, ये देखें, ये हैं सवैयाँ, ये सारी की सारी सवैयाँ। ये खानी है आपको? खानी है तो आ जाएं फ्री में ले जाएं। बचपन में हम बहुत खेला करते थे इनके साथ, अब तो खैर हम नहीं खेलते, बचपन में खेलते थे। Thank you.
देखिए भाइयों, आपने देखा कि एक बच्चा अजान दे रहा था। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बड़े लोग आते नहीं हैं नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं ना, इसलिए ये सारे बच्चे आते हैं, अजान भी यही कहते हैं और नमाज भी यही पढ़ाते हैं। नहीं, नमाज नहीं पढ़ाते, नमाज बड़े पढ़ाते हैं, लेकिन ये अक्सर हमारे यहाँ जो जमायत है ना, वो छोटे बच्चों की होती है, बड़ों से ज़्यादा मकदार में।